आज जो हम आपको सत्य घटना बताने जा रहे हैं, यह सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी हमें भेजी है निशा शर्मा ने। वह बताती हैं कि उनका एक पति है, वो अपने पति के साथ घर में किराए से रहती हैं। किराए में एक रूम लेने पर वह उनका पति जो है काम में जाता है, रेलवे में काम करता है। कुछ दिन तक इनका काम अच्छा चलता है और उनकी पत्नी जो है पूजा पाठ में उनका ज़्यादा मन लगा रहता है। साईं बाबा के प्रति वह बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ और व्रत करती है। निशा जी बताती हैं कि उनके पति बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। वह हर समय क्रोध अवस्था में रहते थे और हर समय उन्हें ताना मारते थे और कई बार उनके ऊपर हाथ भी उठा देते थे, लेकिन वह यह सब झेलते हुए यह सब सहकर नज़रअंदाज करती जाती थी। एक दिन बात कुछ इतनी बिगड़ गई कि उनका पति जो है वह उनको कहने लगा कि निकल जाओ इस घर से, अब इस घर में मत आना, इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। निशा बताती हैं उसके बाद वह घर से बाहर जब निकली तब एक जगह जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वह मन ही मन यही सोचने लगी, अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा तो घर भी मुझसे टूट गया, मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगी तो मेरे माता पिता भी क्या सोचेंगे, हम तो अपनी बेटी को पला बढ़ा कर इतना बड़ा कर दिए, काबिल कर दिए, शादी भी कर दिए, अब यह अपना घर नहीं संभाल पा रही है, तो मैं जाऊं तो जाऊं क्या, मैं करूं तो करूं क्या, बस यह सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उनको जब कोई रास्ता मार्ग नहीं दिखा तो वह बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़कर बस आत्महत्या करने ही वाली थी। उसी समय साईं बाबा का यह चमत्कार हुआ, जिसे सुनने के बाद भक्तों आप भी कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम कहने लगेंगे। उसके बाद निशा जी बताती हैं कि पीछे से कोई बाबा उनका हाथ पकड़े और पूछने लगे, बेटी यह क्या कर रही हो, आप आत्महत्या क्यों कर रही हो, ऐसा कौन सा विषम परेशानी आपके पीछे खड़ा हो चुका है कि आप आत्महत्या के पीछे पड़ गई। तब निशा जी बताती हैं कि मेरा पति है, वह मुझसे ठीक से बात नहीं करता, वह दिन भर मुझे ताना मारता है, वह मुझे गाली देता है, वह मुझे मारता है, वह इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे आज मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, बाबा मैं करूँ तो करूँ भी क्या, इसके सिवाय मेरे पीछे और कोई रास्ता नहीं बचा, अब मैं सिर्फ आत्महत्या ही दे सकती हूँ, इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं घर में जाकर और भी बोझ नहीं बढ़ा सकती अपने माता पिता का, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या जान देने के लिए आ गई। तब बाबा ने कहा, एक बार तुमको सोच तो लेना था बेटी कि आपके पति के ऊपर क्या बीतेगी। यह सुनने के बाद निशा बताती हैं कि वह सोच में पड़ गई, क्यों, क्योंकि उनके पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरी बीवी कहीं भी रहे कुछ भी करे, मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन बाबा ने कहा, एक बार अपने पति के लिए सोच तो लिया होता। उसी समय सीमा ने कहा, मेरा पति जो है बाबा वह मुझसे कोई मतलब नहीं रखता, वह मेरे से सिर्फ और सिर्फ क्रोध अवस्था में रहता है। तब बाबा ने कहा, एक बार तुम जाके अपने पति से तो पूछो। तब निशा ने कहा, बाबा मैंने उनकी हर एक बात मानी है, मैं उनके साथ इतना दिन रही लेकिन कभी भी ऊंचे आवाज में बात नहीं की, अपना अशब्द तरीके से बात नहीं की, हमेशा उनके कहने पर ही चलती रही, हर समय उनका काम करती, उनके लिए खाना बनाती, उनके ऑफिस के लिए सभी सामान इकट्ठा करती, लेकिन वह हमेशा चिड़चिड़ाते, गाली देते, मारपीट करते। तब बाबा ने पूर्ण रूप से कहा, बेटी मेरे लिए ही सही तुम जाओ और एक बार पूछो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तब निशा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके प्रति एक बार और घर जाऊंगी और अपने पति से पूछूंगी, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं कहीं और चली जाऊं। तब वह अपने पुनः घर वापस आई और उसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ भक्तों, जिसको आप देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाओगे। हुआ कुछ ऐसा, जहाँ निशा ने गेट को नॉक किया, उसका पति दरवाजा खोला और फूट फूट कर रोने लगा और बोलने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मुझे माफ़ी दे दो। यह सभी रोते रोते उसका पति कहने लग गया। यह देखने के बाद निशा ने दौड़ते हुए अपने पूजा रूम के पास गई और उसे पता चल चुका था कि यह साईं बाबा का ही चमत्कार है, यह मेरे बाबा का ही चमत्कार है जिनका मैं दिन रात पूजा करती थी, आज मेरा घर पुनः सही हो गया। कहते हैं ना, जो बाबा की सच्ची मन से श्रद्धा भक्ति
एवं कथा व्रत रखता है उसको बचाने के लिए स्वयं शिरडी के साईं बाबा आते हैं। बस भक्तों, यही आज की वीडियो में हम आप सभी को दिखाना चाहते थे। अगली वीडियो में हम कुछ ऐसी ऐसी सत्य घटना दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी आश्चर्यचकित रहने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो भक्तों पे और भी शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।